हेलो बच्चों, एज यू ऑल नो दैट वी हैड स्टार्टेड टिश्यूज एंड आर डिस्कशन इज गोइंग ऑन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज वी आर फोकसिंग ऑन टुडे टुडे वी आर फोकसिंग ऑन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज. ओके, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेम्स. ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेम. तो अगर कोई मेरिस्टेम से बात कर रहा है तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेरिस्टेम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू की. ओके, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज और मेरिस्टेम्स. तो वी नो दैट इन प्लांट्स ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म. ओके, प्लांट ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म. सम टिश्यूज हैव पावर ऑफ डिविजन वाइल अदर डू नॉट डिवाइड एट ऑल. द टिश्यू विच हैव पावर ऑफ डिविजन आर नोन एज मेरिस्टमेटिक टिश्यूज. मीन्स इन दीज टिश्यूज दे हैव पावर ऑफ डिविजन. ओके, मीन्स दे आर एबल टू डिवाइड. ओके, दैट्स वाई दे आर नोन एज मेरिस्टमेटिक टिश्यूज. मीन्स दे हैव पावर ऑफ डिविजन. ओके, मेरिस्टेम्स हैव पावर ऑफ डिविजन. सो वॉट इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू? अ मेरिस्टमैटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल विच रिमेन इन एक्टिव एंड कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिविजन. ओके, तो हमारा मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या हो जाएगा? इट इज द टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच रिमेन एक्टिव एंड कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिविजन. ओके, एंड वॉट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस टिश्यू? तो यहाँ लिख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज. तो टिश्यू के इम्पॉर्टेंट फीचर जो होंगे वही सेल के हो जाएंगे बच्चों. ओके, तो वॉट आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज दे आर कंपोज ऑफ लिविंग एंड वेरी एक्टिव सेल्स. ओके, तो सेल्स की फीचर क्या है? दे आर लिविंग एंड दे आर वेरी एक्टिव. सो दे आर कंपोज ऑफ लिविंग, क्योंकि परमानेंट टिश्यूज की सेल्स कैसी है? मोस्टली दे आर डेड. तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की सेल्स कैसी है हमारी बच्चों? दे आर लिविंग, लिविंग एंड वेरी एक्टिव सेल्स, वेरी एक्टिव सेल्स. ओके, सेल्स आर लिविंग एंड वेरी एक्टिव. ओके, फीचर्स, इफ दे आर आस्किंग फीचर्स, यूजुअली इंटर सेलुलर स्पेसेस आर एबसेंट. यूजुअली इंटर सेलुलर स्पेसेस आर एबसेंट. वॉट आर इंटर सेलुलर स्पेसेस? स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स. जैसे कि आई एम ड्रॉइंग हेयर सेल्स 1, 2, 3, 4, 5. ओके, दीज सेल्स आर प्रेजेंट. सो इन दीज सेल्स यू कैन सी गैप इज प्रेजेंट. दिस गैप पिंक कलर, आई एम ड्रॉइंग विद पिंक कलर. दिस इज गैप. ओके, सो दिस गैप इज इंटर सेलुलर स्पेस, स्पेस बिटवीन टू सेल्स. ओके, बट इन मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, इफ वी ड्रॉ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, सेल्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज यूजुअली, है ना, यूजुअली तो क्या होगा कि दीज आर द सेल्स. तो यू कांट सी गैप, देर इज नो गैप. सो यूजुअली इंटर सेलुलर स्पेसिस आर एबसेंट. तो विथ सेल्स विथ इंटर सेलुलर स्पेस एंड सेल्स विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस. सीधी सी बात है, एक लाइन में इन हिंदी, कि सेल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा वही गैप क्या होगा? इंटर सेलुलर स्पेस. तो जो मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं उनके बीच में गैप प्रेजेंट नहीं होता. और क्या खास बात हो सकती है? पॉइंट नंबर थर्ड पर क्या हो जाएगा? दे हैव, यानी कि सेल्स हैव
थिन सेल्यूलोजे वॉल्स, ओके सेल्यूलोज वॉल्स, सेल्यूलोज पता है ना, सेल्यूलोज इज द पॉली पॉलीमर, ओके पॉलीसेकेराइड एंड डेड स्ट्रक्चर, ओके एंड प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स. तो सेल्यूलोज वॉल्स आर प्रेजेंट अलोंग विद सेल्यूलोज वॉल्स, दे हैव न्यूक्लियस, और वो भी कैसा, प्रोमिनेंट विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ओके यूएस न्यूक्लियस. तो यहां प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ड्रॉ कर देते हैं, ये बड़ा सा न्यूक्लियस, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ओके. और यहां न्यूक्लियस जरा सा, तो दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ओके. वट एवर वी आर राइटिंग वी कैन ड्रॉ डायग्राम सो दैट वी कैन क्लियर आवर अंडरस्टैंडिंग, ओके बच्चों. फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि सेल्स आर ओवल राउंडेड और पॉलीगोनल इन शेप. सेल्स आर ओवल राउंडेड और पॉलीगोनल इन शेप. तो सेल्स आर राउंडेड, तो ऐसी राउंड भी हो सकती हैं, तो ऐसे बना सकते हैं राउंडेड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. ओवल, ये रही आपकी ओवल सेल्स, ओके. और पॉलीगोनल्स तो हो ही रखी हैं ये वाली, ओके. तो सेल्स आर राउंडेड ओवल और पॉलीगोनल इन शेप, ओके. फिफ्थ पॉइंट जो होने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. What is the importance that these cells are rich in cytoplasm? Cells are rich in cytoplasm. Cytoplasm, fluid matrix of the cell, okay? With a small or no या तो स्मॉल वैक्यूल्स होंगे या वैक्यूल्स नहीं होंगे. यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है बेटा कि व्हाई मेरिस्टेमेटिक सेल डज नॉट कंटेन वैक्यूल्स, ओके क्यों नहीं होती, बिकॉज फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स, क्या फंक्शन बताया था शुरू में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि इट इज द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. That's why they have power of division, okay? तो जब सेल को लगातार डिवाइड करना है तो उन्हें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ओके. और वैक्यूल्स का काम क्या है कि दे हैव टू स्टोर द मटीरियल्स. इन फर्स्ट चैप्टर वी हैड स्टडीड फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स. तो वैक्यूल्स का काम क्या है कि दे हैव टू स्टोर मटीरियल्स. सेल शेप स्टोर करके रख सकती हैं, वाटर स्टोर करके रख सकती हैं, अमीनो एसिड्स हैं स्टोर करके. तो जो सेल डिवाइड करें उनको स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है. दैट्स वाई there is no need of vacuoles and no need of vacuoles, that means vacuoles are absent, okay. Vacuoles are absent as kya ho jayega, vacuoles are absent as they not to store the material, as the function of this tissue, क्या होगा फंक्शन, एज अ फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू डिवाइड ओनली, नॉट टू स्टोर द मटेरियल्स, ओके. दैट्स व्हाई वैक्यूल्स आर एब्सेंट. लोकेशन हमें पता ही है कि कहां मिलते हैं, एट द ग्रोइंग रीजंस ऑफ द plant, that is root tip and shoot tip, or we know that they are of three types, apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem, which we have already discussed with diagram, okay bachcho. To aur kya likh sakte hain, hame pata hai cells have great power of division, jo humne likha nahi hai likh lete hain. 6th point mein cells have
great power of division. ओके, सेल्स हैव ग्रेट पावर ऑफ डिवीजन. तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हो गया, सेल्स आर लिविंग. ओके, एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, देन थिन सेलुलोजिक वॉल्स, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ओके, नो वैक्यूल्स, और उसका साथ में आंसर भी दे रखा है, एंड ग्रेट पावर ऑफ डिवीजन. दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और द सेल्स विच कंपोज द मेरिस्टमैटिक टिश्यू. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज. फंक्शन क्या हो सकते हैं बच्चों मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के, फंक्शंस. फंक्शंस ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या फंक्शन हो सकते हैं. ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. तो फंक्शन क्या हो जाएगा, दे आर responsible for growth and development of plant. Okay, जितने भी new organs हैं plants में, they are formed by division of these meristematic tissues. ओके बच्चों, वुड है, कॉर्क है, दे आर ऑल्सो फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम. तो हम सेकेंड पॉइंट क्या लिख लेते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज सच एज व्हाट. क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं सेकेंडरी टिश्यूज के, सच एज वुड, लकड़ी जो हम जलाते हैं, वुड एंड कॉर्क. कुछ बॉटल्स में लग करके आता है ना, कॉर्क सेल्स देखी थी रॉबर्ट हुक ने. ओके, तो दैट कॉर्क, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कॉर्क. तो वुड एंड कॉर्क एक्सेट्रा क्या हो जाएंगे, आर ऑल्सो फॉर्म बाय एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेम पता है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ओके बच्चों, सो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोटेक्टिव टिश्यूज. ओके, टिल देन बाय बाय.